ऑनर प्रदीप कुमार सिंह से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आइए, आज हम हजरतगंज के MI सेंटर पे आए हैं रियलिटी चेक के तौर पे। आप बात करते हैं MI सेंटर के जो यहाँ पे पूरा सर्विस मैनेजमेंट देखते हैं उनसे। सर, मैं इस सर्विस सेंटर का ऑनर प्रदीप कुमार सिंह हूँ। और इस लॉकडाउन में जो कोरोना महामारी है, इसको किस हिसाब से आपने वो किया जिससे कि कस्टमरों को दिक्कत ना हो और इस महामारी से बचा जा सके? सर, हमने, आइए आपको दिखाते हैं सारे प्रॉपर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं। आप देख सकते हैं एक चेयर पे एक आदमी ही बैठ सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजर है, आप देखे होंगे गेट पे लड़का थर्मल स्कैनिंग से टेस्टिंग कर रहा है और हम पूरा प्रॉपर ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि किसी भी कस्टमर को कहीं भी ऐसा ना हो कि जिससे कि उसको कोई दिक्कत हो या सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन ना हो। जब कोई मोबाइल या कोई आपकी डिवाइस आती है उसको आदान प्रदान करने के समय पे आप किन किन सावधानियों को बरतते हैं? हम जब भी कस्टमर से डिवाइस लेते हैं तो सैनिटाइजर रखा हुआ है और देखिए हमारे जो CCOs हैं ये ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं और हर एक मिनट पे अपना ये हैंडसेट को सैनिटाइज भी करते हैं, हाथ भी सैनिटाइज करते हैं। कोई भी हैंडसेट विदाउट सैनिटाइज ये लेके नहीं जा सकते, अंदर या एंट्री नहीं होती। पहले सबसे पहले सैनिटाइज ही होता है हैंडसेट और कस्टमर का हैंड सैनिटाइजर एंड थर्मल स्कैनिंग बाहर ही हो जाता है। अभी देख रहे थे किस हिसाब से MI हजरतगंज के MI सेंटर पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को उनका पालन किया जा रहा है और उनको ध्यान में रखते हुए सर्विस लोगों को पहुँचाई जा रही है। कैमरामैन रियाज के साथ शिव सैनी, लखनऊ।